वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी को। तो हाल ही में 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस पुरस्कार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था और 1955 से पहले इसे मरणोपरांत प्रदान नहीं किया गया था। इसके बाद यानी कि 1955 से इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जाने लगा। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सरकार ने हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है, 112 लोगों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न विषयों के 112 लोगों को पद्म पुरस्कार श्रेणी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से सम्मानित किया है और इन पुरस्कारों की 3 कैटेगरी हैं जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन 3 पुरस्कारों से इन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और इस सूची में यानी कि वर्ष 2019 में अगर हम बात करें तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 14 व्यक्तियों को पद्म भूषण और कुल 94 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार पाने वालों में कुल 20 महिलाएं भी हैं। यहाँ पर देखिए, पद्म पुरस्कारों की बात हुई तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है उनके नाम आपको पता ही होना चाहिए। तो उनके नाम है तीजन राय बाई, इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार और बलवंत मोरेश्वर। राइट, आप देखिए, इससे रिलेटेड यानी कि पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो कल आपको मिल जाएगा जिससे कि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो में इंक्लूड हो सके। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सरकार ने पद्म पुरस्कार 2019 में कुल 112 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। राइट, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न PSU पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, NRL यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि NRL को 25 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट्स नाउ PSU पुरस्कार के 6 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन की श्रेणी में सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रयासों को मान्यता प्राप्त करते हैं जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको बता दूं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ये भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया असम सरकार के बीच एक संयुक्त रूप से उद्यम का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, एक मिनी रत्न शब्द दिया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत सरकार भारत की जो कंपनियाँ हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। जैसे महारत्न कंपनियाँ हैं BHEL यानी कि भेल, गेल और NTPC, ठीक है, इसी प्रकार की और भी हैं। इसी प्रकार से नवरत्न कंपनियाँ हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और मिनी रत्न कंपनियाँ जैसे BSNL। तो इनमें मिनी रत्न कंपनी है जिसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको हाल ही में पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, तो आपका
थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है डी एन चक्रवर्ती, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो असम सरकार ने 26 जनवरी 2019 को अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती यानी कि डी एन चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस की पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है और उन्हें राज्य में पत्रकारिता में उनके आजीवन योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया है। और वो दैनिक आसोम, दैनिक जनभूमि और आजिर बाटोही ग्रुप की न्यूज़पेपर की पूर्व संपादक रही है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नाव सेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है टॉमी अभिलाष, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी 2019 को कमांडर टॉमी अभिलाष को नाव सेवा पदक से सम्मानित किया है और टॉमी अभिलाष ने 2018 में गोल्डन ग्लोब नेविगेशन दौड़ में भी भाग लिया था और अभिलाष हिंद महासागर में भयंकर तूफान के दौरान अपने जहाज INSV धुरिया की मस्तूल टूटने के बाद पश्चिमी सागर के तट से 3200 किलोमीटर दूर पर फंस गए थे, इसके बाद भी वो सुरक्षित रहे थे। राइट, तो उनको नाव सेवा पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिक किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम 25 जनवरी 2019 को केरल में शुरू हुआ है और ऑपरेशन ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो भारत और विदेश दोनों से प्रख्यात प्रशिक्षकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिल चलाना, तैराकी, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, तलवारबाजी और रोइंग और तीरंदाजी जैसे खेलों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए, केरल की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम। यहाँ की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें, विधानसभा के लिए 140 सीटें आती हैं। इसी राज्य में पेरियार अभयारण्य है, साइलेंट वैली भी है जहाँ जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और इस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली। ठीक है, इस राज्य के बारे में आपको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में गौ समृद्धि परियोजना की शुरुआत इस राज्य में ही की गई है, साथ ही साथ आध्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्घाटन भी इसी राज्य में ही किया गया है। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। परम विशिष्ट सेवा पदक हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत को, ऑप्शन सी सही होगा। तो 25 जनवरी 2019 को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक PBSM से सम्मानित किया गया और 15 लेफ्टिनेंट जनरलों और 3 प्रमुख जनरलों को भी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और परम विशिष्ट सेवा मेडल वीरता से संबंधित शांति समय सेवाओं की मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सर्वोच्च सैन्य पदक है। राइट, तो आप ध्यान रखिएगा ये जनरल बिपिन रावत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो DSC पुरस्कार जीता है वो जयंत कैकिनी ने जीता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, 25 जनवरी 2019 को कन्नड़ लेखक जयंत कैकिनी ने अनुवादक तेजस्विनी निरंजना के साथ 2018 के लिए पुस्तक नो प्रेजेंट प्लीज मुंबई स्टोरीज के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार कोलकाता साहित्य सम्मेलन में प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार में $25,000 का पुरस्कार शामिल है और ये पहली बार है जब कोई कन्नड़ लेखक और अनुवाद में एक लेख ने पुरस्कार जीता है। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द लाइफ ऑफ अ अननोन मैन नामक तमिल अनुवादित पुस्तक ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर रोमन रोलैंड, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। तो इस पुस्तक ने रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है। राइट, तो देखिए, आंद्रेई मकेन की ला विए दुन होम इन कोबू, जो कि एक तमिल भाषा में एक तरह से ये शब्द दिया गया है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद है द लाइफ ऑफ ए अननोन मैन, इसके तमिल अनुवाद को 25 जनवरी 2019 को साहित्यिक अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुस्तक का अनुवाद SR किचेनामूर्ति ने किया था और पुरस्कार में प्रकाशक के लिए मार्च में होने वाली पेरिस बुक फेयर 2019 के लिए निमंत्रण और अनुवादक के लिए फ्रांस में 1 महीने का निवास भी शामिल किया गया है। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 25 जनवरी 2019 को पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। और सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण किया जिसमें लोगों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय पेय का फैसला करने के लिए कहा गया था। और इस सर्वेक्षण में संतरे का रस सहित गन्ने का रस और गाजर का रस विकल्प के रूप में दिए गए थे, जिसमें ओवरऑल गन्ने के रस को वहाँ का राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पार्थ सारथी मुखर्जी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता लक्ष्मी विलास बैंक ने पार्थ सारथी मुखर्जी को 2 और वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे 25 जनवरी 2016 को 3 साल के लिए लक्ष्मी विलास बैंक में शामिल हुए थे और उनका विस्तारित कार्यकाल 25 जनवरी 2019 से शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी हाल ही में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी भी प्रदान की है और बैंक के बोर्ड ने 23 जनवरी 2019 को पुनर्नियुक्ति पर निर्णय ले लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नासा के ओपोर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर कितने पूरे वर्ष कर लिए, यानी कि कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका राइट आंसर है 15 वर्ष, ऑप्शन ए सही होगा। तो नासा के ओपोर्चुनिटी रोवर ने मंगल की सतह पर अपने टच डाउन के 15 साल पूरे किए हैं और रोवर मंगल के क्षेत्र में 24 जनवरी 2004 को मेरिडियानी प्लेटिनम के रूप में उतरा था और सौर ऊर्जा चलित रोवर जून 2018 में वैश्विक धूल तूफान के बाद शांत हो गया था। रोवर को 1006 मीटर की यात्रा करने और 90 मंगल दिनों के लिए लाल ग्रह पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ पर देखिए नासा की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी और इस पर यूएसए देश का अधिकार है। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारतीय महिला बॉक्सिंग के कोच के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली कमर, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एडम गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी डेविड रिचर्डसन, ऑप्शन सी शशांक मनोहर या फिर मनु साहनी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने यूपीपी करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।